नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक दिव्य रक्षा मंत्र के बारे में बताएंगे जिससे आपके शरीर की सर्वोपरि रक्षा होगी। दोस्तों यह मंत्र कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, यह मंत्र दैविक मंत्र है। यह मंत्र है जिनेंद्र प्रभु का। इसका आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से जाप करेंगे तो निश्चित ही भगवान जिनेंद्र की आप पर पूर्ण कृपा दृष्टि हो सकती है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपके हर संकट का इस मंत्र से नाश होगा। ये मंत्र अपने आप में बहुत ही दिव्य है और इसकी विधि भी बहुत ही साधारण है। ये मंत्र जाप करने में बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, स्नानादि से पवित्र होकर नित्य प्रति प्रातःकाल केवल एक रुद्राक्ष की माला पर आप इसका पाठ करें। दोस्तों इस मंत्र का आप जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ही ये मंत्र आपको अच्छा और जल्दी रिजल्ट देगा। अगर आप किसी कारणवश इसका ज़्यादा मात्रा में जाप नहीं कर सकते हैं तो केवल स्नानादि से पवित्र होकर एक बार इसका केवल एक माला ही नित्य जाप करते रहे तो यह मंत्र अपने आप में सिद्ध होता रहेगा। तो दोस्तों इसका उपयोग कई लोग करते हैं और कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि यह मंत्र बहुत ही दिव्य है और इसका हर प्रकार के संकट में यह मंत्र बहुत ही कारगर है। दोस्तों जब आप अपने घर से बाहर जाएंगे या आपको जब भी ऐसा प्रतीत होगा कि आप पर कोई बड़ा संकट आने वाला है तो आप किसी भी प्रकार के 8 पीले रंग के पुष्प लेकर, आप पुष्प कोई भी ले सकते हैं, कनेर के ले सकते हैं या फिर किसी भी पीले रंग के पुष्प 8 लेकर साथ ही थोड़ी सी सरसों भी ले और इस मंत्र से आप केवल 7 बार अभिमंत्रित करें और अभिमंत्रित करने के बाद इन फूलों को और सरसों को आप 8 दिशाओं में फेंक दें। इसके साथ ही दोस्तों इस मंत्र को पढ़ते हुए आप 8 दिशाओं में ताली बजाएं और 3 बार चुटकी लगाएं। यानी एक दिशा में आप मंत्र पढ़ते हुए एक बार ताली बजाएं और 3 बार चुटकी लगाएं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि संकट कितना भी बड़ा हो, आप कितनी भी मुश्किल में हो तो आपको वह संकट बिल्कुल साधारण दिखाई देगा और आपको उसका पता भी नहीं चलेगा। यानी कि बड़े से बड़ा संकट भी आपको छू नहीं सकेगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप बाहर किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो भी इसी तरह इस मंत्र की कृति करके आप लंबे सफ़र पर जाए तो निश्चित ही भगवान की कृपा से आपकी हर संकट से रक्षा होगी और आपके कार्यों में भी आपको सफलता मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको मंत्र के प्रति श्रद्धा बनाए रखना है तो इसका अनुभव आपको निश्चित ही अच्छा ही परिणाम इसका दिखाई देगा। तो दोस्तों मंत्र तो आपके सामने है, फिर भी एक बार हम आपको मंत्र पढ़ के बताएंगे। जिनेंद्र पादार्चित सिद्ध शेषण सिद्धार्थ दरवायो चंदनाक्षतान उपासका नाम पी मूर्घ्नि निक्षिपन करोमि रक्षा मम शांति का नाम। तो दोस्तों ये मंत्र अपने आप में बहुत ही दिव्य है और इसके साथ ही इसकी विधि भी बहुत ही साधारण सी है। इसको आपको ज़्यादा मात्रा में जाप करके इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल नित्य प्रति आप स्नानादि से पवित्र होकर आप घर में पवित्र स्थान पर बैठकर इसका केवल एक माला जाप नित्य प्रति करते रहे तो ये मंत्र निश्चित ही सिद्ध होता रहेगा और ये आपको लाभ भी ज़रूर देगा। इसके लिए आपको इसके प्रति विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही दोस्तों आप पर भगवान जिनेंद्र की कृपा भी होती रहेगी और आपके बड़े से बड़े संकट मिनटों में भागते नजर आएंगे। तो दोस्तों ये मंत्र बहुत ही दिव्य है, इसका जाप करके इसका लाभ आप ज़रूर उठाएं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें,
साथ ही अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि हम इस चैनल पर इसी प्रकार के कई तरह के प्राचीन मंत्र के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, जिसके कारण आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।